नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 समाचार। CANRC के विरोध में ऐतिहासिक हुसैनाबाद घंटाघर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही महिलाओं को दलित समाज का मिला समर्थन। सैकड़ों की संख्या में घंटाघर पहुंचकर दलित समाज की महिलाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही महिलाओं को दिया समर्थन। हाथों में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पोस्टर लिए दलित समाज की महिलाएं पहुंची हुसैनाबाद घंटाघर। CANRC के विरोध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का किया ऐलान। TV24 समाचार के लिए लखनऊ से वशिष्ठ चौबे की खास रिपोर्ट। गुप्ता का वो देता है संविधान में, संविधान के तहत हमारे सभी नागरिकों को एक साथ वो मान्यता दी गई है, उसमें कोई धर्म की बात नहीं है। जो CAA का कानून आया है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तो जिक्र है, लेकिन उसमें मुस्लिम को किनारे कर दिया गया है। इसलिए हम लोग CAA का सख्त विरोध करते हैं, उसी के तहत संविधान के तहत अपने देश की सुरक्षा और संविधान की सुरक्षा के तहत चाहते हैं। कब तक आप ये प्रोटेस्ट करती रहेंगी आप लोग? देखिए ये तो अब हम ये चाहेंगे, ये अमित जी पर निर्भर करता है, वो जब तक चाहेंगे हमारे गृह मंत्री जी तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम एक इंच नहीं खिसकेंगे। हम लोगों ने कहा है कि हम लोग एक इंच के आधा इंच भी नहीं खिसकेंगे। वो या तो संविधान के ये जो इन्होंने तहत जो छेड़छाड़ की है उसको हटाएं, हमारे संविधान के तहत हमारा जो कानून था उसको वापस करें, या तो वो खुद आए और हम लोगों से बात करें। अगर वो कहते हैं कि संविधान में हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये केवल नागरिकता देने का अधिकार है, नागरिकता देने का कानून है, तो हम भी उनसे यही कहना चाहते हैं कि जब संविधान के तहत वो नागरिकता देना चाहते हैं तो वो आके हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाइयों का जिक्र करते हैं, जिसमें एक मुख्य जाति को क्यों छोड़ देते हैं? एक जाति का विशेष करके टारगेट करना ये गलत है। संविधान में कभी धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी गई है, तो धर्म के नाम पे जो नागरिकता दी जा रही है उसे हटाएं, या तो अब वो संविधान के तहत उसे हटाएंगे या तो अब वो आके बात करें हम लोगों से। अगर वो चाहते हैं कि ये धरना हटे या ये हम लोग का प्रदर्शन बंद हो तो अमित जी को आना पड़ेगा, उन्हें बात करनी पड़ेगी। उन्हें कोई आया नहीं आप लोगों से मिलने? जी नहीं, कोई भी नहीं आया है यहाँ तक हम लोगों का, ना कोई बात करने की कोशिश की गई। कई बार हम लोगों का धरना हटाने की कोशिश जरूर की गई, पुलिस लाठियां चलाई गई, हमारे कंबल छीने गए, हमारा खाना छीना गया, लेकिन हम लोग कभी भी उनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, हमेशा उनके विरुद्ध लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे।